Good morning students, how are you? I hope you all are happy and enjoying online classes. Students, आज आपका मैथ्स का टर्न है. स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट हुआ था. लेसन नंबर 2 हमारा क्या था? लेसन नंबर 2 हमारा था एडिशन. तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा है पार्ट 3. तो पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे? एडिशन फैमिलीज हमारा टॉपिक है. पार्ट 2 में हमने कॉलम एडिशन करना सीखा था और एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, कि हम 3 नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं और कॉलम एडिशन में भी कैसे ऐड कर सकते हैं, वो हमने अच्छे से सीखा था. और आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज हमारा न्यू टॉपिक है लेसन नंबर 2 के अंदर ही. क्या टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स? एडिशन फैमिलीज. इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, अलग अलग नंबर्स को हम लेकर ऐड करते हैं और उसका आंसर जब सेम आता है तो उसकी एक फैमिली बन जाती है. अभी हम अच्छे से एग्जाम्पल से देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. चलिए स्टूडेंट्स देखिए, हमें स्टूडेंट 3 की फैमिली बनानी है. अलग अलग नंबर्स को ऐड करके जब हमारा आंसर 3 आएगा तो एक तरीके से 3 की वो फैमिली बन जाएगी. तो चलिए देखते हैं. 2+1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 2+1 3. अगर हम 1 पहले लिखेंगे 2 बाद में लिखेंगे तब भी हमारा क्या आंसर आएगा? तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा. 1+2 भी 3 होता है. 3+0 अगर स्टूडेंट 3 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारा? 3 ही आता है. क्यों? क्योंकि हम 0 का मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग. तो हमारा 3+0 भी आंसर 3 ही आएगा. तो तब भी हमारा आंसर 3 आया. अगर 0 पहले लिख देंगे और 3 बाद में लिखेंगे तो तब भी क्या आंसर आएगा हमारा? 3 ही आंसर आएगा. तो अब देखिए, हमने नंबर्स अलग अलग लिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिए ना हमने स्टूडेंट. देखिए 2+1 अलग नंबरों का कॉम्बिनेशन है ना, आंसर क्या आया? 3. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले 2+1 था, अब यहाँ हमारा 1+2, डिफरेंट हो गया कॉम्बिनेशन. तो इसको ऐड करने पर भी क्या आंसर आया हमारा? सेम आंसर आया 3. 3+0 को ऐड किया तो हमारा 3 आंसर है. अगर हमने 0 को पहले ले लिया और 3 को बाद में ऐड किया तो तब भी हमारा क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? तब भी हमारा आंसर 3 ही आया. तो इस तरीके से जब हम अलग अलग नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ऐड करते हैं अगर और हमारा आंसर सेम आता है तो वो एक तरीके से उसकी फैमिली बन जाती है. इसलिए तो 3 की फैमिली क्या बन गई? 2+1 करके भी 3, 1+2 करके भी 3 आंसर, 3+0 3 और 0+3 भी 3 हमारा आंसर. ये 3 की फैमिलीज हो गई. आगे देखते हैं और एग्जांपल से. ये 3 की फैमिलीज थी, एडिशन फैमिली हमारा टॉपिक है जो आज का. चलिए आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स 4 की. देखिए हमें 4 आंसर लाना है. अलग अलग नंबर्स को ऐड करने पर हमें 4 आंसर लाना है. 4 की फैमिली बनानी है क्योंकि फैमिली में सब एक जैसे होते हैं ना. चलिए तो देखते हैं. अब देखिए 2+ बताइए 2+2 क्या होता है? अच्छे से आपको प्लस करना आई होप आ गया होगा. कैसे ऐड करते हैं? 2+2 ऐसे करके भी ऐड कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4 क्या हो गया? 4. अगर हम 3+1 लिखें तो क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, जल्दी से बताइए. 4 आंसर आएगा. अगर हम 1+3 लिखें क्या आंसर आएगा? तब भी हमारा 4 आंसर आएगा. अगर हम 4+0 लिखें, अगर 4 के साथ हम 0 ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आंसर आएगा. अगर हम 0+4 लिखें स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? चाहे 0 स्टार्टिंग में लिखें या बाद में 4 लिखें तो हमारा आंसर सेम ही आना है. तो 4 आंसर आएगा. तो ये क्या हुआ? अलग अलग नंबर्स के कॉम्बिनेशन हो गए ना स्टूडेंट्स. 2+2 करके भी 4, 3+1 करके भी 4 आंसर, 1+3 करके भी हमारा आंसर सेम 4 ही आया है, 4+0 भी 4 और 0+4 भी 4. तो इस तरीके से हमारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन चेंज है. हर इधर देखिए 2+2 है, इधर 3+1 है, सेम तो नहीं है कोई भी. 2 है यहाँ तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है, 3 है यहाँ तो यहाँ 1 है. मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है सबका पेयर. 2+2 है, 3+1 है, 1+3 है, 4+0 है और 0+4. तो क्या होगा? हमारा आंसर डिफरेंट आ गया. ये हमारी 4 की फैमिली बन गई. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम. 5. हमें 5 की स्टूडेंट्स फैमिली बनानी है. हमें 5 आंसर लाना है अलग अलग नंबर्स को ऐड करने पर. कैसे करेंगे हम? चलिए
थ्री प्लस टू क्या होता है स्टूडेंट्स, थ्री प्लस टू वेरी गुड फाइव। अगर हम टू प्लस थ्री लिखें तब भी हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, फाइव आंसर आएगा। जीरो प्लस फाइव, अगर जीरो को ऐड करें फाइव में तब भी क्या आंसर आएगा, फाइव आंसर आएगा। वेरी गुड, अगर फाइव में जीरो ऐड करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, तब भी हमारा आंसर स्टूडेंट्स आएगा फाइव, है ना। तो क्या हो गया ये टू थ्री प्लस टू, टू प्लस थ्री, जीरो प्लस फाइव और फाइव प्लस जीरो, अलग अलग नंबर्स के कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन हमारा सबका आंसर कॉम्बिनेशन का क्या रहा है स्टूडेंट्स, सेम आंसर आ रहा है, फाइव आ रहा है ना सबका आंसर। अलग अलग नंबर्स को ऐड करने पर भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो ये फाइव की क्या बन गई, फाइव की बन गई, ये फैमिली बन गई फाइव की। फोर प्लस वन भी क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर प्लस वन भी फाइव होता है। अगर हम वन पहले लिख लें और फोर बाद में लिखें तब भी हमारा फाइव ही आएगा। तो ये एक तरीके से पूरी जो हो गई ये फाइव की फैमिली हो गई। तो यही हमारा टॉपिक था, अलग अलग नंबर्स को ऐड करने पर भी जब हमारा आंसर सेम आता है तो उस नंबर की वो फैमिली बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से फैमिलीज एडिशन फैमिली टॉपिक समझ आ गया होगा। और अपनी आप बुक के अंदर पेज नंबर 24 देखिए और 25 देखिए और 26, ये आपको घर पर खुद करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया है, ये आपको खुद करना है अपनी बुक के अंदर, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम। आपका टॉपिक इसी में ही एक्सरसाइज दी हुई है आपके एडिशन में ही, वर्ड प्रॉब्लम्स पेज नंबर 27 पर, वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मीन्स शब्दों की समस्याएं। इसमें आपका यहाँ पर सम्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से मैं आपको रीड करती हूँ, आप इसको अच्छे से प्लस और कर पाएंगे। देखिए, माई मदर गेव मी सिक्स आइसक्रीम, मेरी मम्मी ने मुझे सिक्स आइसक्रीम दी। मम्मी ने कितनी आइसक्रीम दी स्टूडेंट्स, मम्मी ने सिक्स आइसक्रीम दी। ओके, आइस क्रीम। ओके, और पापा ने गेव मी, माय फादर गेव मी थ्री आइसक्रीम्स, पापा ने दी थ्री आइसक्रीम। पापा ने कितनी दी स्टूडेंट्स, पापा ने थ्री आइसक्रीम दी, आइस क्रीम। खाते हैं ना सब आइसक्रीम, सबको पसंद होती है आइसक्रीम। तो आप हमें क्या बताना है, हाउ मेनी आइसक्रीम डिड आई गेट इन ऑल। अब हमें बताना है कि हमारे पास, मेरे पास कितनी आइसक्रीम है, मम्मी ने मुझे सिक्स आइसक्रीम दी, पापा ने मुझे थ्री आइसक्रीम्स दी, टोटल मेरे पास कितनी आइसक्रीम हो गई स्टूडेंट्स। चलिए इसको प्लस करते हैं, अभी पता चल जाएगा हमारे पास कितनी आइसक्रीम है। चलिए सिक्स प्लस थ्री, यहाँ हमने प्लस का निशान लगा दिया स्टूडेंट्स। क्या होता है ये प्लस से ही, ये हमारा एडिशन का ही निशान होता है, जहाँ भी हम ये लगा होता है या हमें किसी चीज़ को जोड़ना होता है, दो नंबरों को, दो चीज़ों को जोड़ना होता है, तो हम ये प्लस का निशान लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये दो चीज़ों को जोड़ना है, सिक्स प्लस थ्री आइसक्रीम को हमें जोड़कर बताना है कितनी है। तो ये जोड़ का निशान हमारा प्लस का, इसको हम प्लस का निशान बोलते हैं, प्लस का साइन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इनको ऐड करते हैं। सिक्स है तो कितनी हुई, कितनी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स और ये थ्री है, थ्री पापा ने दी। अब एक साथ काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितनी आइसक्रीम हो गई मेरे पास, टोटल नाइन आइसक्रीम्स हो गई, सिक्स मम्मी ने दी और थ्री पापा ने दी, टोटल मेरे पास कितनी आइसक्रीम्स हो गई, नाइन आइसक्रीम हो गई। तो ये हमें पता चल गया हमें प्लस करने पर कि हमारे पास टोटल कितनी आइसक्रीम है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जॉन के पास फोर कार हैं,
किसके पास? जॉन के पास 4 कार हैं। क्या है? गाड़ी, कार जो होती है। ओके, 5 मोर कार्स। मैरी ने उसको 5 गाड़ी और दे दी। किसने दे दी? मैरी ने उसको 5 गाड़ी और दे दी, कार और दे दी। ठीक है, अब इनको हमें बताना है कि अब जॉन के पास कितनी कार्स हैं, कितनी गाड़ी हैं। अब हमें कैसे पता करेंगे कितनी गाड़ी हैं? हम इसको प्लस करके पता करेंगे ना, टोटल कितनी गाड़ी है हमारे पास। तो प्लस करने का निशान क्या होता है? ऐसे प्लस का निशान होता है, और इसका मतलब होता है जोड़ना। अब हम इन नंबर्स को आराम से जोड़ सकते हैं, हमने साइन लगा दिया। अब जोड़िए इसको, 4 और 5 कितने होते हैं? 4 और 5 होते हैं हमारे 9। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सम। चलिए, आज आपको घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अपनी बुक में पेज नंबर 24, 25 और 26 अच्छे से बुक में ही करना है। चलिए, आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।